Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, jaisa ki aap jante hain, humne chapter number 7 start kiya hua hai aur aaj alhamdulillah hamara uska lecture number 3 hai. So students, last aap logon ne organic chemistry ka introduction padha tha aur organic compounds ki kuch features ko humne discuss kiya tha. आज उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लिखा हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी करने लगे. लाइक हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके क्या यूसेज हैं, जरा वो देखें. ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ, क्योंकि ये दोनों ही लिविंग थिंग्स है ना, एनिमल्स भी एंड प्लांट्स भी. उनके लाइफ के अंदर अब जो रिएक्शंस हो रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के, लाइक प्रोटीन्स के जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन वगैरह का होना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, लिपिड्स, एंजाइम्स के रिएक्शन, विटामिन्स, फैट्स, ऑयल्स या न्यूक्लिक एसिड्स जो है आपके डीएनए आरएनए वगैरह की फॉर्मेशन होना न्यू बॉर्न बेबीज वगैरह के अंदर. सो ये सब जो आपके पास रिएक्शन होते हैं ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही इंपॉर्टेंस में आते हैं हमारे पास. स्ट्रेंड्स, फर्दर जो फूड आप खाते हैं या जो क्लोथिंग करते हैं या उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन वगैरह हैं वो भी ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक रिएक्शंस के थ्रू फॉर्मेशन हुई होती है. उनकी फॉर्मुलेशन सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, तो ये भी बड़ा वाइटल रोल है. उसके अलावा देखें सिंथेसिस के साइड पर आ जाए आप, तो लाइक प्लास्टिक है, रबर है, डिटर्जेंट्स हैं, यहां पर भी मेडिसिन, पेंट्स, वार्निशेस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, सोप, सीमेंट्स, डाइज और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फाइब्रस मटेरियल्स जो हैं डिफरेंट आपके पास, वो सब के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके कोई नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं और वो पहले वालों की निस्बत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं, ज्यादा सूटेबल हो जाते हैं. तो डेली लाइफ के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं. अगर ये चीजें ना हो तो आप जरा सोचिए कि क्या आपकी लाइफ रह जाएगी. सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सब आपके सामने हैं. तो बेसिकली ये इतनी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर. सो ये जस्ट इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है. आगे अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अटेन कहां कहां से कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इनिशियली स्टार्टिंग टाइम्स में क्या होता था, जस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनसे डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गेन किया जाता था और फिर उनका आगे जो भी यूज होता था वो किया जाता था. बट नाउअडेज वी हैव थ्री मेजर सोर्सेस टू अटेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वो तीनों मेजर सोर्सेस क्या है स्टूडेंट्स, वो है फॉसिल फ्यूल्स और उनमें आपके पास कोल आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आता है. ये तीनों ही हमारे पास आजकल दुनिया के अंदर जो है मेजर सोर्सेस ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और इन तीनों के लिए अगर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो है फॉसिल फ्यूल्स. इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, ठीक है. और ये बनाए कैसे जाते हैं जी, आर फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बात अगेन हुई होगी इनिशिएटिव अभी भी हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स ही हैं. इन एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं इनकी बॉडीज वगैरह जब डीकंपोज होती हैं जमीन के नीचे तो उससे जो है हमारे पास फिर ये फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. इनको स्टडी करते हैं आज. इन तीन में से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से मैं पहला कोल जो है इसको स्टडी कर रहे हैं. इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं काफी सारे, जरा गौर से समझिएगा. अब मैं कोल की बात करूं तो सीधी बात जी, अ सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कोल के अंदर से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिल आउट कर सकते हैं. अब देखें जी, सबसे पहले कोल की फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं कि जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, यहां पर हम प्लांट्स की अब बात करेंगे ज्यादा, वुड की, वेजिटेटिव मटीरियल की. अब ये जो प्लांट्स हैं लाइक इसी से हमारे पास जो है ना कोल बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है. अब वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, तो स्टूडेंट देखिए कहते हैं कि कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव मटेरियल. यहां पर वेजिटेटिव मटेरियल का मतलब क्या है, वेजिटेबल्स लाइक मटेरियल, यानी कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है.
क्या बात करते हैं जी, कोल इज फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव मटेरियल अबाउट 500 मिलियन ईयर अगो। ये बिलीव था या ये समझा जाता है बैक्टीरियल डीकंपोजिशन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। लाइक ये अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अब मिसाल के तौर पे एक सरफेस एरिया है, सरफेस है हमारे पास, मिट्टी है वहां पर, कोई प्लांट है। जियोलॉजिकल सर्वे आपको पता है ये बदलता रहता है, जियोलॉजिकल जो हमारा ओवरऑल जमीन है उसका नक्शा, ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें लेकिन साथ साथ चेंज होती रहती हैं। तो होता यह है वक्त के साथ साथ दरख्त या पौधे वो जमीन के नीचे ही बरिड हो जाते हैं। अब क्या होगा, जमीन के नीचे जब वो बरिड हो गए वहां पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक स्पेसिफिक प्रेशर है, इन सारी वजूहात की वजह से क्या होता है फिर वो पौधा वो कन्वर्ट होने लग जाता है, लाइक जिसको हम कहते हैं वो गलने सड़ने लग जाता है, तो वो डीकंपोज बेसिकली होने लग जाता है जमीन के नीचे। और किस वजह से हो रहा है, वो जमीन की स्वेयर कंडीशन की वजह से, अंडर सरफेस जो एक स्वेयर कंडीशन है उनकी वजह से। तो वो गल सड़ के या आप कह लें डीकंपोज होके वो फिर किस में कन्वर्ट होता है, हमारे पास पीट वगैरह में कन्वर्ट होता है। अब उसी बात को हम स्टडी करेंगे। लाइक स्टूडेंट्स, अब ये प्लांट्स से देखिएगा, ये प्लांट्स हैं, उस प्लांट को क्या कहा जा रहा है यहां पर, ये वेजिटेटिव मटेरियल। बुक में इसके लिए वर्ड यूज करता है वुड, ठीक है। अब होता क्या है, ये वेजिटेटिव मटेरियल या वुड वक्त के बदलने के साथ साथ जमीन के नीचे धंसते जाते हैं, बरिड होते जाते हैं, और उनको बिल्कुल उसके बाद उनका नामो निशान खत्म हो जाता है, वो सब के सब जमीन के नीचे बरिड हो गए। अब जमीन के नीचे क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। इन दोनों वजूहात की वजह से अब ये वेजिटेटिव मटेरियल जो है इसकी डिकम्पोजिशन शुरू होगी और इसकी फॉर्मेशन बेसिकली कोल की स्टार्ट हो जाएगी। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन को इसमें आपने ध्यान में रखना है। ये प्लांट्स वगैरह जो है इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारा कुछ मौजूद होता है। बट जब ये जमीन के नीचे बरिड हो जाएंगे ना, तो अब इनमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज होने लग जाएगी, बाकी सब कुछ नहीं, अब डिक्रीज होने। तो देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इसी तरह इंक्रीज हो रही है कि वेजिटेटिव मटेरियल में बैक्टीरियल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पहली फॉर्म जो कि क्या है, पीट। ये पीट के अंदर क्या होता है, 60% कार्बन होता है। आप कह लेंगे ये एक कोल की टाइप है हमारे पास जो कि बहुत लो क्वालिटी का कोल है, क्योंकि जस्ट 60% इसमें कार्बन है। जितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज होती जाती है वो कोयला वो कोल उतना ज्यादा बेहतर, उतना अच्छी क्वालिटी का होता जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पीट बन गया, उसके बाद अगेन ये अभी भी अंडर सरफेस ही है, मजीद इस पे ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इफेक्ट करेगा, तो स्टूडेंट ये पीट से फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिग्नाइट में, मतलब उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन 60 से 70 इंक्रीज हो गई, ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी का कोयला बन गया हमारे पास। अब मजीद क्या होगा, ये लिग्नाइट जो है इसके ऊपर भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट करेंगे, मजीद डिकम्पोजिशन होगी, मजीद परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगी, और अब आपके पास जो कोल बन जाता है दैट इज बिच्यूमिनस कोल, जिसके अंदर 80% कार्बन होता है। ये आमतौर पे जो है फिर आपका यूज भी हो रहा होता है। नेक्स्ट उसके बाद फाइनली हमारे पास बिच्यूमिनस कोल के बाद आ जाता है स्टूडेंट्स एंथ्रासाइट, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिफाइंड फॉर्म है कोल की, और ये आमतौर पर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, ये डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है, उससे ऊपर जो है ये ब्रिक्स की बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोयला, क्योंकि कोयले में कोल में परसेंटेज ऑफ कार्बन बेसिकली जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी ना स्टूडेंट्स, उस कोल की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो कोल उतना ज्यादा यूज होगा, मतलब वो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा थाम प्रोड्यूस करेगा। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन लो है तो वो उतना ज्यादा फिर थाम प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसमें कोयला जो है वो जाया होगा, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, अनबर्न रह जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ कोल, क्या के सिंपल प्लांट्स हैं व्हेन दे गेट बरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू स्वेयर कंडीशंस लाइक हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर, दैट वेजिटेटिव मटेरियल दैट वुड दैट डेड प्लांट भी कहा जाता है इसको, दैट डेड प्लांट वुड बी कन्वर्टेड इनटू पीट हैविंग 60% कार्बन इन इट, एंड आफ्टर दैट पीट वुड बी कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट, देन बिच्यूमिनस कोल, एंड फाइनली एंथ्रासाइट व्हिच वुड बी द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ कोल। तो ये आपके पास कोल की फॉर्मेशन होगी। और एक और बात भी मैं बता दूं, दीज फोर नेम्स आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ कोल, ये चारों कोल के टाइप भी हैं विद द परसेंटेज ऑफ कार्बन।
यहां तक अभी हमने कोल का इंट्रोडक्शन देख लिया स्टूडेंट्स. अब कोल के ऊपर जो एक फिनोमिना होता है वो ये भी है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होना स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन अगर आपको याद हो ये बेसिकली एक सेपरेशन प्रोसेस होता है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है वो भी हम देखते हैं. डिस्टिलेशन का वर्ड आ गया तो इट्स मीन कोल के अंदर डेफिनेटली कोई डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने डिस्टिल करना है, सेपरेट करना है, और उसके लिए जो प्रोसेस यूज हो रहा है दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. या स्टूडेंट्स इसको आप कार्बनाइजेशन भी कहते हैं, ये मैंने लिखा हुआ. कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये दोनों ही सेम प्रोसेस है. अब प्रोसेस क्या है ये देखिएगा पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आप कोल से किस तरह से डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो यही मेथड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बनाइजेशन, बोथ आर सेम. अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन क्या है, डेफिनेशन मैंने उसकी लिखी है, थर्मली यानी कि हीट करना एट हाई टेम्परेचर, थर्मली डीकंपोजिशन ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये बड़ी जरूरी कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, लाइक अंडर द सर्फेस डेफिनेटली देर वुड बी एब्सेंस ऑफ एयर अकर्स, एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर राउंड अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस, कोल जो है वो डिस्टिल हो जाता है अपनी इन फ्रैक्शन में, कोल टार में, कोल गैस में और कोक में. क्लियर कि कोल है आपके पास, इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप क्या करते हैं उसको थर्मली डीकंपोज कर लेते हैं 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में. अंडर दीज कंडीशंस दैट कोल गिव्स थ्री डिफरेंट फ्रैक्शंस, और भी होती हैं बुक के अंदर, तीन डिस्कस की गई हैं, कोल तार, कोल गैस एंड कोक. तो ये बेसिकली ये कोल तार जो है या कोल गैस है या कोक है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कार्बन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कि जो क्या करेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से ये तीन फ्रैक्शंस निकल रही हैं मजीद, जो कि कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर मैं बात करूं, ठीक है. उसकी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो ये तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें से जेनरेट हो जाते हैं. यही वजह थी कि हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कोल है हमारे पास वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है. तो वो ये रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ आपके सामने लिखे हैं इसके अलावा भी हैं, और अब इनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. अब ये तीनों हैं क्या फ्रैक्शंस, देखें पहले मैं कोल टार की बात करूंगा स्टूडेंट्स. कोल टार में अब देखें इट इज बेसिकली द लिक्विफाइड कंपोनेंट ऑफ कोल, ये लिक्विड स्टेट है कोयले की, आप ये समझ लें. कोल टार इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ कोल, और दूसरी बात इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड द कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग, बेसिकली इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं, तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. तो कोल टार के अंदर ये बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, 215 मैंने एक जगह पे पढ़ा हुआ है कि 215 कंपाउंड्स जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स इसके अंदर, डिफरेंट 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं. सो ये होती है बेसिकली कोल टार, ठीक है. ब्लैकिश ग्रेइश कलर होता है इसका, और ये लिक्विड स्टेट में है, और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. और कहता है कि ये देखिए फॉलिंग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार. अब आप कोल टार जो लिक्विफाइड स्टेट है इसको हीट करना शुरू कर दें स्टूडेंट्स. हीट करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं. डिफरेंट फ्रैक्शंस का मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स ना, और उन डिफरेंट कंपोनेंट्स के स्टूडेंट्स डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. लाइक कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, कुछ ऐसे होंगे जिनका 200 है, कुछ ऐसे होंगे जिनका 300 है, कुछ ऐसे होंगे जिनका 400 है. तो स्टूडेंट्स जब इसको हीट करना शुरू करेंगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, तो वो वाले कंपोनेंट्स, वो वाली फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट 100 है वो बॉयल होने लग जाएंगी, बाकी वही रहेंगी. तो जब वो ही सिर्फ बॉयल होंगी उनको जाके दोबारा हम लिक्विफाइड कर लेंगे, यानी कि उनको कंडेंस कर लेंगे. तो इस तरह से ये डिस्टिलेशन हो गई और एक फ्रैक्शन डिस्टिल हुई, यानी कि सेपरेटली इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. सो कोल टार के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद, यानी कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बिहाफ पे फ्रैक्शंस को हम सेपरेट कर देते हैं बॉयल करके ही, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. तो स्टूडेंट देखें ये कोल टार के अंदर कहते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जब हम उनको हीट करेंगे तो उसके अंदर से भी ये चार फ्रैक्शन मजीद निकल आती हैं. ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइट ऑयल,
मिनरल ऑयल, हैवी ऑयल एंड एंथ्रासाइट ऑयल. और इनके बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस आपके सामने मैंने लिखी हैं, लाइक 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस पे लाइट ऑयल सारे का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि गैसियस फॉर्म में जब जाएगा इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये अपसाइड पे आ जाएगा, बाकी ऑयल सारे का सारा नीचे रहेगा बॉटम में, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं. इसी तरह मिडल को भी हैवी और फाइनली एंथ्रासाइट बच जाएगा. सो ये बेसिकली कोल टार है, लिक्विफाइड या लिक्विड स्टेट ऑफ कोल हैविंग डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से स्टूडेंट्स? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. और फिर कहता है उनको भी जब हम मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये फोर डिफरेंट टाइप्स के उसमें से भी ऑयल्स को हम मजीद फ्रैक्शनेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टूडेंट नेक्स्ट. अब आपके पास है कोल गैस, ये भी एक ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है हमारे पास जो कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद मिलती है. अब कोल गैस क्या है? इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये कोल गैस है ना, वो कोल टार था, दैट वाज अ लिक्विड फॉर्म. ये कोल गैस है, ये गैसियस स्टेट है. कोल गैस इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस और उसमें हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीफ गैसेस हैं, यानी कि ये बेसिक है. हाइड्रोजन H2, मीथेन CH4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO. इस मिक्सचर को, ये भी कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं डेफिनेटली हीट करेंगे तो उसमें से गैसेस निकलेंगे, वो यही होती है और उसी को आप कोल गैस कहते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. फाइनली कोक, इट इज एन अदर फ्रैक्शन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. और कोक आपके पास ये बेसिकली ग्रेइश हार्ड मटीरियल होता है. ठीक है, लाइक पाउडर फॉर्म होता है लेकिन इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी बने हुए होते हैं, लाइक ये पोरस मटेरियल होता है आपके पास, एक सॉलिड स्टेट में होता है. तो स्टूडेंट्स ये ग्रेइश कलर का होता है और इसके अंदर कार्बन कंटेंट राउंड अबाउट 99% तक पाया जाता है. कोक इज बेसिकली जस्ट प्योर कार्बन बिकॉज इट इज एक्चुअली द रेजिड्यू जो के बच रहा होता है ना बाद में, तो पीछे सिर्फ कार्बन रह जाता है. ठीक है, जब ये लिक्विड को और गैस को आप सेपरेट कर लेंगे, अब ये जो फाइनली बच गया ये आपके पास हाई कार्बन कंटेंट पीछे बच गए, तो इसी को क्या कहेंगे हम? कोक कहेंगे. ये प्योर फॉर्म होती है, ऑलमोस्ट इसमें 99% तक कार्बन जो है वो मौजूद होगा. स्टूडेंट्स इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन शेयर करता है बुक के अंदर. पाकिस्तान की बात करें तो कहते हैं टोटल कोल रिसोर्सेज 184 बिलियन टन इन पाकिस्तान. 184 बिलियन टन कोल को प्रोड्यूस किया जाता है, कोल के रिसोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर. और इनमें से अब 80% जो है वो यूज हो जाता है इन द बेकिंग ऑफ ब्रिक्स और बाकी 20% जो है वो हमारे पास फिर डोमेस्टिक पर्पजेस के अंदर यूज होते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट ये आज आपका टॉपिक था. इसके अंदर एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकेंडली स्टूडेंट्स आपके पास ये कोल वाला, ठीक है, तो ये कोल के अंदर जो कोल की टाइप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है. ठीक है, सोर्सेस ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के लिए आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास. क्लियर, डेफिनेशन लिखेंगे और तीनों फ्रैक्शंस बताएंगे कौन सी है. और इसके अलावा कोल टार एक इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन है, कोल टार भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. बाकी ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. इस वजह शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से इसको लाजमी गौर से पढ़िएगा. बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड.